नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। बीकानेर अपनी समृद्ध संस्कृति और कला के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। देश में ही नहीं विदेशों में लोक संस्कृति और हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों बीकानेर के रेलवे स्टेशन की दीवारों पर पेंटिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ के किले, फड़ पेंटिंग, ऊंट और रोबिले राजस्थानी मर्द के चित्र और ग्रामीण परिवेश की झलक के साथ साथ सागर की छतरियां भी बनवाई जा रही हैं। जी हां, अगर आप राजस्थान में ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और बीकानेर के पास से गुजर रहे हो तो बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहर की तस्वीर आपको बीकानेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठे बैठे ही दिख सकती है। बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 3D वॉल में नजर आएगा जूनागढ़ किले का वैभव। तो वहीं स्टेशन की दीवारों पर आप देख सकते हैं फड़ पेंटिंग, ऊंट और राजस्थानी रोबिले मर्द के चित्र और ग्रामीण परिवेश की झलक भी। दरअसल रेलवे बोर्ड की ओर से बीकानेर स्टेशन पर उकेरी गई बादल पेंटिंग का शानदार रिस्पांस देखने के बाद में रेलवे प्रशासन ने इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए अब ग्रामीण परिवेश के साथ स्थानीय कला को भी उकेरने का काम शुरू करवाया है, जिसको बीकानेर के युवा चित्रकार दीवारों पर बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उकेरने का काम बड़े बखूबी तरीके से कर रहे हैं। स्टेशन की दीवारों पर बीकानेर के सागर की छतरियां, कैमल फॉर्म, ऊंट नृत्य आदि चित्र उकेरे जा रहे हैं। इस चित्रकारी में 3D वॉल आर्ट, म्यूरल जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे चित्रकारी ज्यादा जीवंत दिख सके। इसका उद्देश्य यह है कि यहां पर दूर दराज से आने वाले सैलानियों और रेल यात्रियों को राजस्थानी लोक जीवन और परिवेश की झलक मिल सके। चित्र बना रहे युवा चित्रकार रवि कुमार शर्मा ने बताया कि पुराने चित्र शैलियों के मूल स्वरूप को कायम रखते हुए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं स्टेशन पर एक ऐसी मॉडल डिस्प्ले का निर्माण किया जाएगा जिस पर बीकानेर में होने वाले आयोजनों की सूचियां लगाई जा सके। इसके साथ ही बीकानेर, जूनागढ़ किला, सागर की छतरियां, ऊंट नृत्य और राजस्थानी लोक नृत्य की विभिन्न शैलियां भी चित्रित की जाएंगी। फिलहाल यह प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर किया जा रहा है और लोगों का रिस्पांस देखने के बाद में इसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी शीघ्र ही करवाया जाएगा और इसे उम्मीद है कि बीकानेर में सैलानियों की रुचि ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।